सैमसंग ने फाइनली लॉन्च कर दिया अपनी एम सीरीज का एक बजट सेगमेंट वाला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M15 5G। और बहुत टाइम से इस फोन को लेकर रूमर्स आ रहे थे कि ये फोन जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने कुछ दिन पहले इसकी ऑफिशियल डेट अनाउंस करी थी, तो फाइनली ये लॉन्च हो चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कंपनी ने इसके साथ एक और फोन लॉन्च किया है, सैमसंग गैलेक्सी M55, जिसकी हमने अनबॉक्सिंग भी की है। एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप उसका फर्स्ट लुक देखना चाहते हैं। सो अच्छी बात यह है कि इस फोन में दिया गया है MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट, जो कि एक बजट फोन के हिसाब से बहुत अच्छा चिपसेट है। फास्ट परफॉर्मेंस मिलती है, साथ ही इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है। कौन कौन से सेंसर्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन कुछ पहले इसके हाइलाइटेड फीचर्स बता देती हूँ। साथ ही इसमें दिया है एमोलेड डिस्प्ले। अब जो मैं इसका प्राइस पॉइंट बताऊंगी आपको, उसके हिसाब से अगर किसी फोन में एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है तो ये काफी हद तक जस्टिफाइड है, और इतने सस्ते फोन में आमतौर पर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है। लेकिन सैमसंग ने अपने इस फोन में एक पावरफुल डिस्प्ले दिया है, जिसमें 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। अच्छी बात यह भी है कि इस फोन में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी है और एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। तो इसके बैटरी फीचर्स में थोड़ा सा और डिटेल में आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, और प्राइस से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि काफ़ी हद तक ना इस फोन के जो फीचर्स हैं वो सिमिलर हैं गैलेक्सी A15 5G से, जिसे लास्ट ईयर दिसंबर में लॉन्च किया था कंपनी ने, और उसके बाद ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा यूजर्स ने पसंद भी किया है। सो इस फोन को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, जिसमें 4GB रैम 128GB स्टोरेज मिलती है। इस फोन का प्राइस है 12,999, वही जो दूसरा हाई एंड वेरिएंट है उसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 14,499। सो दोनों ही जो वेरिएंट्स आप देख सकते हैं बजट प्राइस में आते हैं, 13,000 रुपये स्टार्टिंग प्राइस है। तो इतने प्राइस में अगर आपको MediaTek प्रोसेसर, एक एमोलेड डिस्प्ले, एक बड़ी बैटरी और एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है, तो ये कंप्लीट पैकेज है। तो फोन को बहुत ही अट्रैक्टिव कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया है, दो ब्लू कलर हैं और एक ग्रे कलर है, तो दो तीनों ही कलर्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फोन आता है एंड्रॉयड 14 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे। 4 साल तक का एंड्रॉयड अपडेट मिलता है और 5 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है, मतलब 4 से 5 साल तक आपका ये फोन ब्रांड न्यू रहने वाला है। इसके अलावा इसमें है ट्रिपल कैमरा सेटअप, इसमें 50MP का प्राइमरी, 5MP और 2MP के डुअल सेंसर्स, इन टोटल 3 कैमराज मिलते हैं, और सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा है। तो कैमरा स्टैंडर्ड्स में बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, स्टैंडर्डाइज कैमरा फीचर्स रखे गए हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, एक बड़ी बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको मिलता है 25W तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। सो 13,000 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस पर अगर आपको 6000 mAh की बैटरी मिल रही है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है। इसके साथ कंपनी ने ये दावा किया है कि ये आपको 21 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम ऑफर करती है और 128 घंटे तक का ऑडियो प्लेबैक टाइम। सो ये एक अच्छा खासा टाइम है, अगर आपको इतना लॉन्ग बैटरी बैकअप मिल रहा है तो इस प्राइस पॉइंट में जस्टिफाइड है। तो ये जो मैंने सारे फीचर्स बताए, ये है सैमसंग गैलेक्सी M15 के फीचर्स, और एक्चुअली में मुझे लगता है कि इतने कम प्राइस पॉइंट में सैमसंग ने बहुत अच्छे से इन फीचर्स को एडजस्ट किया है, क्योंकि आमतौर पर इतने बजट फ़ोन में इतने अच्छे फीचर्स नहीं मिलते हैं। अब सैमसंग अपने मिड रेंज फ़ोन्स के साथ साथ जो बजट सेगमेंट है उस पर भी बहुत अच्छे से फोकस कर रहा है। तो आपको कैसा लगा है सैमसंग का ये लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी M15? सो इस फ़ोन का जो फीचर आपको स्पेशली बहुत अच्छा लगा है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इन्हीं तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।